वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ मेडिसिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था गैस्ट्रो हिपैटोबिलेरी से तो यह आप चैप्टर नंबर एलेवन हिपैटोबिलेरी एंड जो बाकी के यूनिट्स हैं वो पार्ट वन में आप देख सकते हो एंड लेटस गेट ऑन द वीडियो तो हिपैटोबिलेरी में लिवर फंक्शन टेस्ट इज इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बताया था, था कि जो भी आप किडनी फंक्शन टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट फर्मरी फंक्शन टेस्ट थायरॉइड फंक्शन टेस्ट आप पढ़ रहे हो ये सारा आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूस बता होनी चाहिए एंड प्रैक्टिकल में पूछे भी जा सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में सो so, लिवर फंक्शन टेस्ट जॉन्डिस इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी उसके बैल मार्कर्स ये माइक्रो से हमने पढ़ा था तब तक चले ही आ रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस, एक्यूट लिवर फेलियर फैटी लिवर अल्कोहलिक लिवर डिसीज सिरोसिस पोटल हेपनेटेशन अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी रेड कलर में मार्क देना स्टार के साथ वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिपैटिक एनकैफ एसाइटिस एटीटी टी इंड्यूस हेपेटाइटिस बर्ड चिरी सिंड्रोम हिपैटोसिल्यर कैसिनोमा लिवर ट्रांसप्लांटेशन बायोजेनिक एंड अमीबिक लिवर विल्सनस डिसीज स्प्लिनोमेगली कॉजेज और हिपैट स्प्लिनोमेगली कॉजेज ये लग बड़ा रहा है पर आप एक बार रीड करोगे ना आपको आंसर लिखना आ जाएगा इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसाइटिस बोटल हाइपटेंशन ये कॉजेस और हिपेटाइटिस बी ये, ये 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 तो हमारी ये तीन तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइबल में पूछते हैं कि कॉजेस क्या हो सकता है ठीक है बाकी वाला आप पहले भी पढ़ चुके हो सो हिपैट पढ़ के एक बार पढ़ के ना ख़त्म करो साइड में इस यूनिट को ओके देन कम्स पैनक्रस इसको सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करो या फिर सर्जरी से ही पढ़ लो बस जो मेडिसिन में एक्स्ट्रा चीज़ है वो है रैंसन क्राइटेरियन सी टी सेवेटी इंडेक्स ये आपको यहाँ पे रीड करना है प्लस जो एक्यूट पैनकेटाइटिस में स्टार्टिंग है ना आई गेट स्मैश वाला निमोनिक है एक इसके कॉजेस का वो सर्जरी में गिवन नहीं है इसमें गिवन है तो यहाँ से पढ़ लेना ठीक है न, और वो एक जगह से नोट बना के लिख लो क्योंकि जब कॉजेज ऑफ एक्यूट पैनकेटाइस पूछते हैं तो सिर्फ गोल्सुन और एल्कोहल नहीं बोलना होता आगे के और भी कॉजेस बोलने होते हैं तो वो निमोनिक से आपको सारे याद हो जाएंगे सो यहाँ पे मेडिसिन में गिवन है एंड ये रैंसिन क्राइटेरियन सेफ्टी सेवेटी ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या फिर थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकता है इसको भी आप हाँ अच्छे से पढ़ लो देन कम्स चैप्टर नंबर थर्टीन किडनी इसको आप पी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो जिसमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक आप ज़्यादा पढ़ोगे मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अलग से मैनेजमेंट ऑफ स्टेज फाइव भी आएगा Uh, जिसमें आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और डायलिसिस के बारे में लिखना होता है उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स क्या टाइप्स होते हैं ये आप सब लिख सकते हो जो थोड़ा प्रैक्टिकल uh, एस्पेक्ट वाले क्वेश्चंस है वो हमारे कौन से होंगे रीनल फंक्शन टेस्ट प्रो, वो प्रोटीन यूरिया के कॉसिस हिमेच के कॉसिस ठीक है ये थोड़ा हमारा वाइवा के बेसिस पे भी इम्पॉर्टेंट uh, है देन यू टी किडनी ये हमारे रीड टॉपिक्स है एके आई भी मेडिसिन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें राइफल क्राइटेरिया वगैरह ये सब आपसे पूछ सकते हैं एंड नेफ्रोलिथियासिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी में ठीक है तो ये जो किडनी टॉपिक है ये सर्जरी पीडिया के साथ इंटीग्रेटेड टॉपिक है जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेडिसिन ऑल अबाउट इंटीग्रेशन विथ पैथो फार्मा माइक्रो एंड आपके रेडियो सर्जरी पीडिया इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ तो अपना अगर आप सेकेंड ईयर में तो अपने सेकेंड ईयर के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना ठीक है एंड उसके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो दोनों ही रिवाइज हो जाएगा खासकर फार्मर के साथ बिकॉज अब आप, आपको ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जब आप मेडिसिन में आंसर्स लिखोगे ठीक है देन कम्स चैप्टर नंबर फोर्टीन फ्लूड्स एंड लेट्रोलाइट्स इस चैप्टर का क्या चीज़ है कि भाई जो रेस्पिरेटरी यूनिट थी ना रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ऐसे ही ये यूनिट है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हंड्रेड परसेंट ठीक है पीडिया मेडिसिन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये फ्लूड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा सो so, ये तो सबसे पहले करके फिनिश करो इसकी नोट्स बना के फिनिश करो या इसको रीड करके फिनिश करो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में इसका आ, ये हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकेलेमिया हाइपरकेलेमिया हाइपर कैल्सीमिया हाइपोकेल्सीमिया सब आपको ये पता होना चाहिए प्लस इसके ईसीजी में क्या दिखाई देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा हर एक चीज़ ठीक है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है उसका आ, वो ग्रेडिंग क्या होगी ठीक है मतलब पता है वैल्यूज टाइप्स इसके जो फीचर्स होंगे सब इंपॉर्टेंट है कैलसी में भी उतने इम्पॉर्टेंट है नेटी में भी उतना इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा आपका हाइपर हाइपर केली में इंपॉर्टेंट है ठीक है देन कम्स मेटाबॉलिक वाले ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस रेसपिटी एसिडोसिस रेसपिटी एल्कोलोसिस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक है सो ये वाला जो चैप्टर है ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है बहुत अच्छे से करना है और इसके छोटे छोटे नोट्स बना के रख लो देन कम्स चैप्टर नंबर फिफ्टीन न्यूरोलॉजी ये भी आपको थोड़ी बड़ी टॉपिक लगेगी और पर यू कैन डू इट ठीक है आपका अपर मोटर न्यूरोन वर्सेज लोअर मोटर न्यूरो प्लान्टिफ्लैक्स हेड एक माइग्रेन कॉजेज ऑफ यूनिल्टल हेड स्ट्रोक लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रोक और ये इंट्राक्रेन हेमरेज ट्रांसजेंड स्टीमिक अटैक सब एरेक्टनोइट हेमरेज सर्कल ऑफ विलेस मल्टीपल स्क्रेरो सीजर्स डी टी सी एस के अलग से क्वेश्चन इन इनकोप का डिफ्रेंस टेबल ठीक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स स्टेटस एपिलेप्टिकस मैनजाइटिस सी एस एफ एनालिसिस न्यूरोजेनिक डाइडर ट्रांस और री टॉपिक है जी बी एस भी इंपॉर्टेंट है डी एम डी पार्किसन फीचर्स ऑफ रेस्ट आईसीपी आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है एंड एफ ऑल्सो टॉपिक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये चार ये चार तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खासकर का मैनेजाइटिस मैनेजाइटिस तो बहुत पूछा जाता है इवन इन पीडिया ठीक है और आपको ये सी एस एफ की टेबल ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सी एस एफ में आपको एकदम देख के बता देना चाहिए मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा किस कॉज की वजह से बैक्टीरियल कॉज की वजह से वायरल कॉज की वजह से फंगल या ट्यूबरकुलर ये आपको सी एस एफ बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड जी बी एस का भी हमारा पेपर में पूछा गया था जी टी सी इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है सो माइग्रेन स्ट्रोक एपिलेप्टिकस ठीक है और ये मेलजाइटिस ये तो चार बहुत 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 हाई हील टॉपिक्स हैं ठीक है देन कम टैटर नंबर सिक्सटीन टॉक्सिकोलॉजी इसमें हमारा आप एफ एम टी के साथ इसको इंटीग्रेट करके पढ़ो या एफ एम टी से ही पढ़ लो आपकी मर्जी है विश्वास में तो निमोनिक्स भी गिवेन होते थे और पॉइजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग जो आपको पढ़नी है ठीक है मतलब अगर आप बहुत ही एंड मोमेंट पर जिसमें आपको बस कुछ कुछ टॉपिक से पढ़ना है तो दिस विल बी द टॉपिक जो आप रीड करके जाओ इस चैप्टर में से देन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी हमारा इंपॉर्टेंट है स्नेक बाइट क्रोसोपॉयिंग री टॉपिक है धतोरा री टॉपिक है अल्कोहल पॉइजनिंग डिपेंडेंस विड्रॉल ये आपको होना चाहिए ठीक है तो इसमें से ऑर्गेनिक वॉस्ट पॉइजनिंग इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना जैसे लाइक गार्लिक ऑर्डर है दोनों का ही गार्लिक ऑर्डर होता है ठीक है ये हमारा उस पर लिखा है कि मतलब कुछ फूड ग्रेन टाइप पड़ा हुआ था वो इंजेस्ट कर लिया था इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से होगा ठीक है अननोन सब्सटेंस को खा लिया था ये वाली सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्नैक बाइट का मैनेजमेंट डू इट राइट जो निमोनिक होता है वो आपको पता होना चाहिए एंड पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्निक्स के बारे में बताना चाहिए बट दिस इज इंपॉर्टेंट ये दोनों तो बिल्कुल करना यार देन कम्स चैप्टर नंबर एटीन साइकैट्री अब ये क्या है जो टॉक्सिक साइकैट्री फ्लूड और डरमा पूछेंगे पूछेंगे मतलब आपको मेडिसिन कुछ स्टार्ट करना है ना आपको पता है कि एक क्वेश्चन वो डरमा में से देंगे ही देंगे कंपलसरी है एक क्वेश्चन वो आपको साइकेट्री में से देंगे ही देंगे तो वाई नॉट की पहले ये दो यूनिट्स ही खत्म कर ली जाए क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ टॉपिक्स है एंड एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि डर्मा साइकेट्री ये तो अलग हमारे वो है ना सब्जेक्ट्स पर मेडिसिन में पूछा जाता है और इसमें एक क्वेश्चन देंगे ही देंगे तो इसमें पहले इनको प्रिपेयर करके रख दो क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आपका पक्का हो जाएगा ओके सो चैप्टर नंबर एटीन साइकेट्री इसमें आपको एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेसमेंट डिप्रेसेंट्स ये फार्मा के साथ इंटीग्रेशन है आपको ड्रग्स होनी चाहिए देन बाइपोलर डिसऑर्डर एंगजाइटी रीड टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया रीड टॉपिक है मूड डिसऑर्डर्स डिप्रेशन ओसीडी एल्कोहल डिपेंडेंसी विड्रॉल एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलीमिया नर्वोसा एंड चाइल्ड अब्यूज ये हमारा क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने लिखा हुआ है एंड दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई फाउंड इन साइकेट्री ठीक है फिर आता आपका जेनेटिक्स जेनेटिक्स आप पीडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो डाउन क्लाइम टर्नर ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव के एग्जाम्पल्स की लिस्ट एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट या रिसेसिव के एग्जाम्पल्स की लिस्ट बायलिंग के हमारे एग्जाम्पल की लिस्ट इसके आप निमोनिक्स होते हैं अगर आपके पास निमोनिक नहीं है तो आई कैन शेयर अ वीडियो ऑन द निमोनिक्स इसको याद करने के तरीके जीन थेरेपी ह्यूमन जीन प्रोडक्ट एंड जेंटिक काउंसिलिंग अदर री टॉपिक्स एक बार रीड करो फिर अपने आप बना के लिखो तो ये पी एस एम और पी डी ए के साथ इंटीग्रेटेड चैप्टर है देन कम्स चैप्टर नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन दैट इज इम्योलॉजी इन जीरियाट्रिक्स इसमें से बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक अर्टी केरिया जो एक हमारा एलर्जिक डिसीज होती है उसके बारे में एंड एनोफाइल्ट्रिक शॉक के ट्रीटमेंट एंड जीरियाट्रिक्स में एजल डिसीज देन कम्स चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू डर्मा जिसमें से मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है तो क्यों ना इसको प्रिपेयर कर लिया जाए साथ के साथ डरमा भी आपका वो यूनिट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा सो सोरियास लाइकन प्लानस फैम्फिकस बल्गारिस बुलस फैम्फिकोइ एलोपिशा एक्नेस केबीस लेप्रोसी ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इरादिमा मल्टीफॉर्मे बिटलीगो बेजल सेल कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मेलेगन मेलोनोमा एस टी आई सेफिलस ये आपके थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है एस टी आई आपके मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और उसका इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एस टी डी किट्स वगैरह इन सब के बारे में लिखना होगा एंड जो बी सी सी एस सी सी मेलेनोमा मेलेनोमा है वो हमारे सर में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है सो दीज आर टॉपिक्स जो आपकी डरमा में इम्पोर्टेंट है इसको इसके छोटे छोटे नोट्स बना के इसको ख़त्म करो डरमा को भी खत्म करो साथ के साथ डरमा सेक्रेटरी कैन बी कवर ईजिली एंड ये बहुत हाई गिल्डिंग है क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक में से एक टॉपिक पक्का आना है सो दैट इज़ ऑल फॉर द मेडिसिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आई होप यू लाइक माई कंपाइलेशन एंड कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट डाउन बिलो आई विल ट्राई टू अपलोड इन सून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग